लोगों से बात करने का डर लोग पागल समझते हैं, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज सुबह सुबह एक लड़के का फोन मुझे आया, उम्र कभी करीब करीब 26 साल, बहुत परेशान, और बोलता है कि देखो मुझे लोग है ना समझते कि मैं पागल हूँ। बोले क्या हो गया? नहीं, मुझे है ना लोगों के साथ में बात करने का बहुत डर लगता है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे सीने में धड़कन हो जाती है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कि सीना जो है वो फट जाएगा, पेट में फिर गुड़गुड़ आवाज़ आती रहती है, और कैसा कैसा लगता है, बेचैन लगता है, और ऐसा लगता है कि भगवान मुझे उठा लेना तो अच्छा हो जाएगा। मैं लोग दिखेगी एकदम चुपचाप हो जाता हूँ, मेरा चुपचाप होना देख के लोग बोलते भी तेरे को क्या हो गया, मेरा मन उदास रहता है, नर्वस डिप्रेस रहता है, मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, और फिर ये सब देख के लोग बोलते ये तो पागल हो गया है, कोई काम का नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ की मगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला भाई कि आपको ये सब जो टेंशन बीमारी है ये मानसिक स्वरूप की बीमारी है, और इसमें मेनली डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कॉम्बिनेशन है, और डिप्रेशन और एंग्जाइटी की मैं आपको दवा देता हूँ, मैं आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरे से काउंसिलिंग करवा लें। और काउंसिलिंग मतलब कौन सा? हिप्नो काउंसिलिंग, हिप्नोटिज्म से, हिप्नोथेरेपी, जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। बार 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 हम सजेशन देते हैं, सजेशन देके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैमर होता है, और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैमर होता है, सबकॉन्शियस माइंड का विश्वास हो जाता है, और फिर अच्छा लगने लगता है। तो दोनों भी हम काम करेंगे, मेडिसिन भी देंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, और वहां से आपको अच्छा लगेगा। क्या होता है कि ये जो है तो ये एक मिक्स पिक्चर आता है डिप्रेशन एंग्जाइटी का, और जैसे जैसे सिम्टम आते वैसे वैसे और बीमारी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसा नर्वसनेस है, टेंशन है, लोगों में जाने को डर लगता है, धड़कन होती है, फिर लोगों में जाता नहीं है, उससे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर लोगों में जाता नहीं, लोग कुछ कुछ बोलते हैं, ताने मारेंगे, फिर उससे और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और फिर उससे और दिल में धड़कन तेज होने लगती है, और वो उसके चक्र में गिर जाता है। तो इसमें यह है कि भाई आप एंग्जाइटी का डिप्रेशन का दवा लो, पूरी मात्रा में दवा लेना चाहिए, जरूरी है, उसके साथ साथ हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। यूजुअली 4 से 6 हफ्ते में बहुत अच्छा फर्क पड़ के व्यक्ति काम पे जाने लगता है। देखिए यदि मतलब इसकी कितनी ज़्यादा कॉस्ट होती है, अभी ये जो मुझे लड़का बता रहा है कि पिछले 8-9 महीने से ये काम पे नहीं जा रहा है, नुकसान हो रहा है धंधे का, और सही तरीके से इलाज भी नहीं कर रहा है। तो इलाज करते अच्छे हो जाएंगे तो देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ये लोग अच्छे हो जाते तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जिनको डिप्रेशन है और उसके वजह से वो घर में बैठे काम पे नहीं जा रहे हैं, और फिर हमारा देश इसमें पीछे जाता है, क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे तो फिर देश पीछे जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो आप, ताकि लोगों को समझेंगे कि भाई ये बीमारी है और अच्छी हो सकती है, लोग अच्छे हो जाएंगे और अपना जीवन खुशहाल जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।